कि जितने भी महापुरुष हुए उनके दो तीन आदत को आपको फॉलो करना है। पहली आदत कि उनके पास रीडिंग हैबिट होता है, और दूसरी आदत कि वो हर चीज़ को लिखते हैं। नहीं होता, मैक्सिमम हिंदुस्तान के बच्चे, मैक्सिमम हिंदी मीडियम के बच्चे ने का ढूंढते हैं अंग्रेजी, को का ढूंढते हैं अंग्रेजी, तो ने और को का इंग्लिश नहीं ढूंढना है। सब ध्यान आप पर कहाँ है, कॉपी कर लिया, लिखो और लिख करके इसको अभी कभी सीख लो हर दिन। मैं पिछले क्लास में दिया था, अगले क्लास में पार्ट वन है। कंफ्यूजन नहीं, बहुत बारीकी सीखो तो सबसे पहले जितना आता है लिखो, धीरे जाता है। दुनिया के किसी भी सेंटेंस को आप चाहते हो कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, आप अंग्रेजी बोलने के लिए, एक्चुअली हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम लोगों का अपना एक मदर टंग होता है जो हिंदी है, तो हम चाहते हैं हिंदुस्तान में कि इंग्लिश बोलें और बोल करके लोगों को चौंका दें। तो कैसे बोलना होगा, तो दुनिया के किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें, एक मेथड दे रहा हूँ, उस मेथड को समझ लिया तो अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाएगा। दुनिया किसी भी सेंटेंस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस जैसा भी हो। आप आज और अभी जब भी मेरा क्लास देखिए तो विथ पेन एंड पेपर, यानी कॉपी कलम ले करके बैठिए और लिखने का प्रयास करिए। जब आप लिखोगे ना तो सीखोगे। जितना ज़्यादा कहते हैं ना कि जितने भी महापुरुष हुए उनके दो तीन आदत को आपको फॉलो करना है। पहली आदत कि उनके पास रीडिंग हैबिट होता है, और दूसरी आदत कि वो हर चीज़ को लिखते हैं। इवन कि आप आइंस्टाइन के बारे में पढ़ोगे तो आइंस्टाइन भी हमेशा लिखते थे और हमेशा पढ़ते थे। तो जितना ज़्यादा जो पढ़ेगा, जितना ज़्यादा लिखेगा, वो उतना ज़्यादा सीखेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखिए, जब भी धर्मेंद्र सर का, जब भी आप DSL इंग्लिश का वीडियो देख रहे हो ना, तो आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, यानी लिखने की टेंडेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। तो जो आप लिखोगे, जो आप पढ़ोगे, तभी आप सीखोगे। तो एक सेंटेंस में दे रहा हूं, इसको जानने का प्रयास करिए। किस भी समय, हालांकि बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। कॉन्सेप्ट है, भारत ने चीन को हराया, ये हर व्यक्ति बना देगा। आपको पता है कि पास्ट टेंस का है, आप बना दोगे अंग्रेजी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखना है। भारत ने चीन को हराया, तो जिस दुनिया का कोई सेंटेंस हो, दुनिया का कोई वाक्य हो जिसमें कि अगर ने लगा हो, क्या लगा हो, ने लगा हो, तो ने लगा हुआ दुनिया का हर वर्ड, हर शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। देखो पहले ये समझ लो कि हिंदी और अंग्रेजी में अंतर क्या है, पहले ये जान लो कि हिंदी और अंग्रेजी में क्या अंतर है। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी में, देखो यहां पे लिख रहा हूं हिंदी और यहां लिख रहा हूं इंग्लिश, एक बात ध्यान दीजिए कि हिंदी इंग्लिश में क्या अंतर है। हिंदी में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब। इस लाइन को समझिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, हिंदी में जो आप हिंदी बोलते हो ना उसमें एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अगर इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप अंग्रेजी लिखोगे तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा और ये वाला वर्ब यहाँ जाएगा। इस बात को समझ गए ना तो अंग्रेजी आपकी लॉलीपॉप हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा। यही बात आपको महान बनाता है, यही बात औरों से अलग करेगा, यही बात आपको सिखा देगा। तो सब्जेक्ट दोनों का सेम होता है, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, लेकिन एज सून एज यू मेक द सेंटेंस इंग्लिश तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट लास्ट में और वर्ब पहले आता है। यानी कि अगर दुनिया का कोई सेंटेंस हो, होना ऐसे ही है, होना ऐसे ही है, अगर इस कॉन्सेप्ट को सीख गए ना तो अंग्रेजी बोलना हो चाहे लिखना हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बोलना लिखना हो, अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे, तो भारत ने, तो भारत हो गया यहां पे सब्जेक्ट, भारत क्या हो गया सब्जेक्ट, यहां ने चीन की बात करें तो चीन हो गया ऑब्जेक्ट, और हराया की बात करें तो हराया हो गया वर्ब। तो देखो हुआ ना सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन जैसे हम अंग्रेजी की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो इंडिया होगा लेकिन हराया आ जाएगा यहां पे और चीन आ जाएगा यहां पे। इस बात को समझ गए तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आसान भाषा हो जाएगा। चीन आ गया यहां, हराया आ गया यहां, ठीक है, भारत यहां पे आएगा, सब इस तरह से आप काम कर सकते हो। बेसिक पॉइंट, किसी भी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट ऐसे ही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसका वर्ब, फिर उसका ऑब्जेक्ट। और हिंदी की इस बात को समझ गए, होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चा, मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है गलती, कि वो जैसा
क्या लिखा है, इंडिया, अब ने का अंग्रेजी, फिर चीन, फिर को का अंग्रेजी, फिर हराया, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और बच्चा अच्छा से नहीं कर पाता। तो कैसे करेंगे, तो देखिए दो चीज, ये तो बन गया भाई कि इंडिया यहाँ पे काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए चाइना पे यहाँ पे आ गया और हराया यहाँ पे आ गया, तो इंडिया डिफिटेड चाइना, यहाँ पे ना तो अंग्रेजी ने का है ना ही अंग्रेजी को का है, ये बात समझ में आया। तो ने और को का अंग्रेजी नहीं होता, मैक्सिमम हिंदुस्तान के बच्चे, मैक्सिमम हिंदी मीडियम के बच्चे ने का ढूंढते हैं अंग्रेजी, को का ढूंढते हैं अंग्रेजी, तो ने और को का इंग्लिश नहीं ढूंढना है। यू डोंट हैव टू सर्च द हिंदी मीनिंग ऑफ ने एंड को, आप हिंदी और ने और को का नहीं होता, ये आप समझिए बात को। तो ना तो आपको ने को बोलना है और ना आपको को बोलना है, सिंपल, भारत चीन हराया। तो देखिए इंडिया डिफिटेड चाइना, तो मैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए वोट पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जहां ने लगा होता है वह होता है सब्जेक्ट, और जहां को लगा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि जहां पे ने लगा, अब ने ना भी मिले तो आपको सेंस पकड़ना है, ने का भाव। अभी मैं 50 एग्जांपल दूंगा, एक एक कर बहुत से एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल, उस मर्म को, उस थॉट को पकड़ना है। तो जहां ने लगा होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और जहां को लगा होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जांपल और चेक करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद करिए, पेन पर आप से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लेकर के रख लीजिए अपने पास, क्योंकि इससे बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, और ये धीरे धीरे बेसिक एग्जांपल को बनाएगा, बताएगा, इस कॉन्सेप्ट को सिखाएगा। अब आगे देखते हैं एक कॉन्सेप्ट और, रामू ने बच्चों को मिठाई दी। मान लो रामू ने ना भी रहता, कोई बात नहीं, ने दिखे चाहे ना दिखे, ने का भाव होना चाहिए। तो रामू ने बच्चों को मिठाई दी, आप कहाँ ध्यान है आपका, आप सब ध्यान आपका कहाँ है, कॉपी कलम लिया लिखो और लिख करके इसको अभी कभी सीख लो हर दिन। मैं पिछले क्लास में दिया था, अगले क्लास दूंगा, पार्ट वन है, ये है पार्ट वन, इसका पार्ट टू भी कल परसों दूंगा, हर दिन पार्ट वन पार्ट टू पढ़ना है, ये पार्ट वन सीख गए, इसी का पार्ट टू पढ़िए। तो आप क्या करना कि आप अपने पास अपने 10 बच्चों को रख लेना, एक बच्चा 10 बच्चों को फोन करेगा और बोलेगा रामू ने बच्चों को मिठाई दी। इसमें नया वर्ड क्या जुड़ गया, रामू तो तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट क्योंकि ने लगा हुआ है, ठीक है, अब यहां बच्चों को एक मिल गया, बच्चा हो गया ऑब्जेक्ट, ये मिठाई भी ऑब्जेक्ट, अब दी हो गया वर्ब, अब मुद्दा उठ गया कि दो दो हो गया ऑब्जेक्ट, आप कैसे बनाऊं सर, मुद्दा क्या है। तो इसके लिए कुछ नहीं, स्ट्रक्चर दूंगा, स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, भाषा आसानी से बोल पाओगे। तो आपको स्ट्रक्चर सीखना है और साथ साथ ध्यान देना है क्या कहता है। यहां देखो, समझो गौर से, स्ट्रक्चर पर यहां देखिए फोकस, सब्जेक्ट वर्ब तो होना ही होना, इंग्लिश में वर्ब होना ही होना है, जैसे रामू ने बच्चों को मिठाई दी, तो यहाँ जो देने वाली बात है वो तो सब में होना ही होना है। देखिए रामू हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट, और दी हो गया वर्ब। तो रामू के बाद गेब यहाँ भी आया, गेब यहाँ भी आया, यानी रामू हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट और गेब यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। अब देखना है कि चिल्ड्रेन यहाँ पे क्या हो रहा है वो जानने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पे बात करें चिल्ड्रेन का, अब यहाँ बात करें स्वीट्स का, तो ध्यान दीजिए कि जब ऑब्जेक्ट वन, ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या हुआ ऑब्जेक्ट। तो जब आप यहां पे ध्यान दीजिए कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, तो दोनों से ध्यान देना कि जब आप सेंटेंस पीछे से बना रहे हो तो टू और फोर, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मिठाई लिया तो टू द चिल्ड्रन किसको दे रहे हो बच्चों को, तो यह भी सही है यह भी सही है। ज्यादा अच्छा ये बोलना आपके लिए होगा कि रामू गेव स्वीट्स किसको दिया टू द चिल्ड्रेन, रामू गेव स्वीट टू द चिल्ड्रेन। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस दोबारा ऑब्जेक्ट, तो जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाए, जब ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाए तो किसी बना सकते हो। फर्क यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को चीज दे रहे हो तो टू या फोर का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे रामू गेव स्वीट, देखो क्या रामू गेव स्वीट टू द चिल्ड्रेन, रामू गेव स्वीट टू द चिल्ड्रेन, रामू गेव स्वीट टू द चिल्ड्रेन, या फिर रामू गेव किसको चिल्ड्रेन को, रामू गेव चिल्ड्रेन स्वीट्स, रामू गेव द चिल्ड्रेन स्वीट्स। तो इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। मैं आपके लिए एक एक वर्ड, एक्चुअली बहुत छोटे छोटे हैं, आप 500 सेंटेंस आप बना सकते हो, आप लिख सकते हो इस सेंटेंस, रामू ने बच्चों को मिठाई दी। तो इस तरह सेंटेंस आपको मेन पकड़ना क्या है, कौन है सब्जेक्ट, कौन है वर्ब, कौन है ऑब्जेक्ट, और हिंदी के अनुसार चलना है। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है, इसी को सीखना आपको। अगर ये सीख गए
करें तो आपके लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा, धीरज ने अमित के भाई की पत्नी को, धीरज ने अमित के भाई को पत्नी को पढ़ाया था। अब देखिए गौर से क्या लाइन कह रहा है, धीरज ने, तो धीरज क्या हो गया तुम्हारा सर, बड़े आराम से पढ़े, बड़े प्यार से, धीरज ने क्या हो गया सब्जेक्ट, अमित के भाई की पत्नी को, यानी को वर्ड यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे अमित के भाई की पत्नी एक लाइन में, एक वर्ड में आएगा और वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कंफ्यूजन नहीं, बहुत बारीकी सीखो। तो सबसे पहले जितना आता है लिखो, धीरज आता ना भाई, तो धीरज क्या किया, पढ़ाया था, ये क्या हो गया वर्ब। तो सबसे पहला काम करना है कि सब्जेक्ट वर्ब तो लिख लो, क्योंकि वर्ब हमेशा हिंदी के अंतिम में होता है। मैं क्या कहा, हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, और अंग्रेजी में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कितनी बार बोलूं, याद कर लो। अगर डिटेल पढ़ना चाहते हो बढ़िया से, एकदम ए बी सी डी से पढ़ना चाहते हो, शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, तो 13 जुलाई अभी आने वाला है, 13 जुलाई शाम को 6 बजे एक नया बैच लेकर के आ रहा हूं, 13 जुलाई शाम को 6 बजे एक न्यू बैच लेकर के आ रहा हूँ इंग्लिश फाउंडेशन का, इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश में आप अगर तैयारी करना चाहते हो एसएससी का, सीपीओ का, एनडीए का, सीडीएस का, एयरफोर्स का, तो ये बैच आपके लिए है। आप चाहते हो हिंदी से इंग्लिश मीडियम चेंज करना, तो ये बैच आपके लिए है। आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपका मीडियम हिंदी है, आप चाहते हो कि इंग्लिश में टर्न हो जाए, इंग्लिश मीडियम चेंज कर लें, तो यह बैच आपके लिए है। चूंकि जब तक आप मीडियम चेंज नहीं करेंगे, आपका नंबर, आपका मार्क्स कम आता रहेगा और आईएएस बनने का सपना अधूरा बन रहेगा। आपको मीडियम चेंज करना ही पड़ेगा, आज करो या 5 साल बाद करो या 10 साल बाद करो, आपकी उम्र क्या है उसके अनुसार आप डिसाइड करें कि वो करना क्या है। यू हैव टू चेंज योर मीडियम इफ यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आपको मीडियम चेंज करना पड़ेगा और तभी आप आईएएस बन सकते हैं। एक बार हिम्मत करना पड़ेगा। अब सोचो ना, आईएएस बनने के लिए 12-15 से पढ़ना है और यहां पे एक सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो आपको, अगर आपको कुछ भी हो, अगर आपको मीडियम हिंदी ही रखना है, तो आप यूपीएससी कंपलसरी के लिए भी इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपका कंपलसरी चेक नहीं होगा, आपका और जीएस पेपर चेक नहीं होगा, इसलिए अगर आपको डीएम बनना है तो इंग्लिश से नाता जोड़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, इस तरह से काम करना पड़ेगा। तो धीरज ने अमित के भाई की पत्नी को पढ़ाया था। अभी सेंटेंस को देखिए कैसे बनेगा। क्या कहा, धीरज टॉट, बताया ना आपको, धीरज टॉट, धीरज पढ़ाया था, धीरज टॉट, धीरज पढ़ाया था किसका भाई, अमित के भाई की पत्नी को। ध्यान दीजिए, कब भी कनेक्टर्स हो तो पत्नी किसकी की, भाई के अमित, तो क्या होगा, द वाइफ ऑफ अमित, अमित के भाई, तो ये एक वर्ड हो गया अमित के भाई, तो अमित में अपोस्ट्रोफी लगा दिया, अमित ब्रदर, तो धीरज टॉट द वाइफ ऑफ अमित ब्रदर। तो आपको ये चीज बड़े, ये नाउन का प्रॉब्लम, अमित ब्रदर, अमित के भाई, राम का कलम, राम्स पेन बोलते हो ना, राम्स पेन, सीताज ब्रदर, जानते हैं इस चीज को, तो इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा। तो धीरज टॉट द वाइफ ऑफ अमित ब्रदर, यह संदेश आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा, बढ़िया हो गया, और इस तरह से आप सीख पाओगे, बोल पाओगे, लिख पाओगे। दुनिया का कोई सेंटेंस हो हिंदी से अंग्रेजी, इसी मेथड पे करते हैं। हालांकि 2-3 मेथड और दिया हूं, टोटल 10-15 मेथड होते हैं। अगर लड़के ने उस 10 मेथड को फॉलो कर लिया, तो इंग्लिश बोलना भी, लिखना भी और सोचना भी आसान हो जाएगा। अब करो इसको। अब 2 समय मैं आपको और देता हूं, आप इसको बनाइए जरा सा। भारत नेपाल और भूटान को चीनी और नमक देता है, ये संदेश आपके लिए छोड़ता हूं। आप जा कमेंट करिए और अभी लिखिए, अभी बनाइए, इसका क्या होगा, भारत नेपाल और भूटान को चीनी और नमक देता है। तो भारत हो गया तुम्हारा क्या चीज, हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। नेपाल भूटान को, ये को का जो पहले होता है, नेपाल भूटान, ये बन गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और चीनी और नमक ये भी हो गया ऑब्जेक्ट, देता है हो गया वर्ब, देता क्या हो गया वर्ब। तो सबसे पहले वर्ब ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो इंडिया गिफ्ट्स तो आपको आता ही आता है, इंडिया गिफ्ट्स, और 2 ऑब्जेक्ट हो गया, एक हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ, एक हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ, तो दोनों से बना सकते हैं कि इंडिया गिफ्ट्स क्या देता है भाई, नमक, क्या देता है भाई, चीनी और नमक। तो इंडिया गिफ्ट्स शुगर एंड सॉल्ट किसको, टू नेपाल एंड भूटान, बन गया अंग्रेजी, ये लिखा हुआ आपको मैं दे रहा हूं, ये देखिए गौर से क्या है, इंडिया गिफ्ट्स शुगर एंड सॉल्ट टू नेपाल एंड भूटान, कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है। तो इससे अंग्रेजी बोलने में आसानी हो जाएगी, जितना फ्लुएंसी बना सकते हो बना सकते। भारत नेपाल और भूटान को चीनी और नमक देता है, इंडिया गिफ्ट्स शुगर एंड सॉल्ट किसको,
टू नेपाल एंड भूटान। ये टू वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले भी दिया हूं, उसको पकड़ लीजिए, इंग्लिश आसान हो जाएगा। इंडिया गिव्स सुगर एंड सॉल्ट टू नेपाल भूटान, या तरीका नंबर दो बताया था कि इंडिया गिव्स नेपाल एंड भूटान सुगर एंड सॉल्ट, तो ज्यादा अच्छा सर ये वाला लगेगा, यह भी अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो, बोल सकते हो। ध्यान रखिए, आप एक ही चीज पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़े ना कि आपका माइंड इस पे इन्वेस्ट करो, आपका माइंड क्रांति फैला दे, इस पे खर्च करो, आपको जो भी हो इस पे इन्वेस्ट करने में पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपका ब्रेन है, ब्रेन सीखेगा तो आपका माइंड बढ़ेगा, और माइंड बढ़ेगा तो आपका शरीर बढ़ेगा, मतलब आप देश में शासन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपको फॉलोअर बढ़ेंगे। इस तरह से हर दिन सीखते रहिए, हर दिन बोलते रहिए, और दिल्ली आए, फेस टू फेस पढ़ने का प्राप्त करें। फेस टू फेस कोई दिक्कत हो तो आप मोबाइल पर भी क्लास ले सकते हो, सीख सकते हो। कल मिलता हूं आपसे एक नए क्लास में। आप अकेले पढ़ते हो, 10 बच्चों को शेयर करके उसको पढ़ाइए, और आपको धर्मेंद्र सर की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ आपको जॉब में सिलेक्शन पाने के लिए और आपको सफल होने के लिए। मिलते हैं कल आपसे एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।